क्या आप या आपके परिवार में कोई डायबिटिक है? जानिए भारत के प्रसिद्ध डायबिटीज स्पेशलिस्ट से कि डायबिटीज को कैसे करें मैनेज, सीधे अहमदाबाद से, जहां देश विदेश के 5000 डायबिटीज एक्सपर्ट्स एकत्रित हुए हैं। डायबिटियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस RSSDI में 22 से 25 नवंबर 2018 तक। लॉग इन करें फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा पे। वेरी सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेमल ठाकुर फ्रॉम अहमदाबाद ओनली। ही इज अटैच्ड टू डायबिटिक क्लिनिक ऑफ गुजरात, डायबिटिक एसोसिएशन एंड जीवराज मेहता हॉस्पिटल। ही हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद एंड ही हैज वर्कड ऑल्सो एज फिजिशियन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट। सो वेलकम डॉक्टर ठाकुर। एंड आई हैव विद मी डॉक्टर रतन वैश, हु इज सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन फ्रॉम भोपाल। Yes, Dr. Ratan, treatment of diabetes is becoming a challenge. So it is not diabetes which is going to affect the patient, it is the complications which are associated with diabetes which can definitely is a concern. So in your opinion, what can be the diabetic complications on long term? Because it is not an acute disease. So what can be the complications associated with diabetes? जैसा कि आपने बताया कि ये acute disease नहीं है, ये chronic disease है। और डायबिटीज़ को लेकर के इतनी गलत फहमियाँ हैं समाज में, इवन कुछ डॉक्टर्स में, कि वो इसको बहुत सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि इनका ब्लड शुगर जो है, जो नॉर्मल तौर पे फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के आसपास होना चाहिए और पीपी ब्लड शुगर 140-150 के आसपास होना चाहिए, यदि कभी ब्लड शुगर उनका 200-300 भी मिलता है और उनको कोई सिम्टम नज़र नहीं आते, तो ये सोचते हैं कि ये ठीक है, जबकि ये गलत है। डायबिटीज़ के मामले में ये है कि यदि कई महीने कई साल तक लगातार यदि ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहा, तो शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जिसको वो डैमेज ना करे। इस वजह से ये जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिन भी पर्सन का, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो मेल हो, चाहे बच्चे हो, यदि जिनका ब्लड शुगर लेवल लगातार कई महीने कई साल तक हायर लेवल पे रहा, मोर देन नॉर्मल लेवल, तो उसका यदि हम शुरू करें कि यहाँ हेड से, तो उसमें सर में इन्फेक्शन होना, बालों का गिरना, ब्रेन के खून की नलियों को डैमेज करता है, तो पैरालिसिस होना, आँखों की रोशनी चले जाना, जल्दी जल्दी स्पेक्स का पावर चेंज होना, खाने के सिस्टम को गड़बड़ करना, फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन हिप, साइलेंट हार्ट अटैक एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि जनरली लोगों को जब हार्ट अटैक होता है जो डायबिटिक नहीं होते, तो उनको बहुत चेस्ट पेन होता है, तो उसकी वजह से वो खुद को या उनके घर वाले या जो आसपास लोग रहते हैं उनको पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक का दौरा आया है। लेकिन जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले होते हैं, उनको जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें दर्द का एहसास नहीं होता, इस वजह से ना तो वह पर्सन, ना उनके इर्द गिर्द वाले लोग, ना उनके घर वाले समझ पाते हैं कि इनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। तो ऐसे स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट घर के अंदर ही जो है उनकी डेथ हो जाती है और कोई जो है मेडिकल सीख नहीं होती। फिर ये गॉल ब्लैडर की पथरी होना, किडनी खराब होना, कि डायलिसिस की नौबत आ जाना, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होना, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, हाथ पैरों में छोटे से भी जो है कट लगने पे, कहीं पे बॉयल इन्फेक्शन होने पे, उसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि ये नौबत आना कि हाथ पैरों की उंगलियाँ जो है या उसके पूरे लोअर लिम्ब को काटने की नौबत आ जाती है, जिसको एक तरह से कहा जाता है कि मेडिकल एम्पिटेशन। यदि देखा जाए तो यदि लोअर लिम्ब मेडिकल एम्पिटेशन जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसमें काफ़ी हद तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिम्मेदार है। तो ये होती है लॉन्ग टर्म में इसके कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ एक दोधारी तलवार है। किसी भी पर्सन का जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। हमने जो कॉम्प्लिकेशन अभी बताया, ये बताया कि जो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा कई महीने कई साल तक होता है, लेकिन डायबिटीज़ के पर्सन में कई बार ऐसा होता है कि वो नॉर्मल रेंज से उनका ब्लड शुगर कम हो जाता है। ये स्थितियाँ कब आती हैं कि जब उन्होंने डायबिटीज़ की दवा या इंसुलिन ले ली लेकिन खाना नहीं खाया, या ऐसा भी हुआ कि उन्होंने जो है गलती से दोबारा दवा ले लिया। कई बार ऐसा होता है कि घरों में जो है वो लोग नहीं होते कि जो केयर कर सके, और एल्डरली पर्सन है वो भूल गए कि हमने आज दवा ली या नहीं ली, तो नतीजा क्या निकलता है कि उन्होंने दूसरी बार दवा ले ली और खाना तो उतना ही खाया और उनका शुगर लेवल कम हो गया। तो जो ये लो शुगर लेवल जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, इसकी वजह से विद इन मिनट इसके सिम्टम आते हैं, और यदि उस पर जो है घर में ग्लूकोमीटर नहीं रहा या जो है इतने अवेयर नहीं रहे कि उन्होंने तुरंत ब्लड शुगर के लिए कुछ लिया नहीं, कि कोई लिक्विड सिरप ले लिया,
शुगर का या जो है ग्लूकोज घोल करके ले लिया, तो नतीजा क्या निकलता है कि बहुत तेज़ी के साथ शुगर कम होता है, और यदि शुगर 40 से कम हो गया किसी भी टाइम तो वो कोमा में जा सकते हैं। और यहाँ तक भी देखने में आया है कि ऐसे मरीजों की मृत्यु तक हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जो स्थिति आती है वो आती है रात में। कई बार ऐसा होता है कि घरों में जो है उनको देखभाल करने वाले बुजुर्गों के लोग नहीं है, और उन्होंने जो है दवा तो खा ली, इंसुलिन या तो ले लिया या दोनों ले लिया, उसके बाद किसी भी कारण से उनको मन नहीं किया या कोई खिलाने वाला नहीं था, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो नतीजा क्या निकला कि रात के समय जो है उनका शुगर लेवल लो हुआ। तो बाकी घर वाले ये सोचते हैं कि वो तो बड़े आराम से सो रहे हैं, और कभी कभी ये भी देखने में आया है कि उनकी सोते सोते ही मृत्यु तक हो गई और अस्पताल ले जाने का जो है मौका तक नहीं मिला। थैंक यू डॉक्टर्स फॉर गिविंग टिप्स ऑन हाउ टू मैनेज डायबिटीज टू आवर पेशेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन आवर टॉक शो डायबिटीज पर चर्चा।